दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज हम वर्ड मीनिंग देखेंगे, उसके साइनोनिम देखेंगे और एंटोनियम देखेंगे, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। यदि वीडियो आप सभी को अच्छा लगता है तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला वर्ड है इंडिजीनियस। इंडिजीनियस पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्या है? एडजेक्टिव है। इसका अर्थ क्या होता है? स्वदेशी। इंग्लिश अर्थ देखते हैं, ऑरिजिनेटिंग और ऑकरिंग नेचुरली इन ए पर्टिकुलर प्लेस। कहाँ? नेचुरली इन ए पर्टिकुलर प्लेस, नेटिव इसको बोलते हैं हिंदी में। आगे बढ़ते हैं, किसी विशेष स्थान पर स्वाभाविक रूप से उत्पन्न होना, इसको देसी बोलते हैं। इंडिजीनियस का साइनोनिम क्या है? नेटिव हुआ, इननेट हुआ, इनबॉर्न हुआ, प्रिमिटिव हुआ, कंजेनेशियल हुआ। तो चलिए अगले वर्ड की तरफ चलते हैं। अगला वर्ड है एलियन, फॉरेन। चलिए सेकंड की तरफ चलते हैं। अगला जो वर्ड है स्ट्रे। स्ट्रे क्या है पार्ट्स ऑफ स्पीच में? वर्ब है, जिसका अर्थ होता है भटकना। मीनिंग है मूव अवे एमलेसली फ्रॉम ए ग्रुप और फ्रॉम द राइट कोर्स और प्लेस। इसका हिंदी अर्थ देख लेते हैं, किसी समूह या सही पाठ्यक्रम या स्थान से लक्ष्यहीन दूर जाना। इसका साइनोनियम देख लेते हैं, डिसग्रेस, डेविएट, वंडर, ड्रिफ्ट। इसमें डेविएट बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट। एंटोनियम देखते हैं, एंटोनियम स्टे हुआ, बिलोंग हुआ, रिमेन हुआ, एक्सिस्ट हुआ। इसका इसे देख लीजिएगा। अगले वर्ड की तरफ चलते हैं। अगला वर्ड है फ्रैगो। फ्रैगो क्या पार्ट्स ऑफ स्पीच में? नाउन है, जिसका मतलब सम्मिश्रण। मीनिंग क्या है? कन्फ्यूज मिक्सचर। अर्थ इसका एक उलझन भरा मिश्रण। चलिए इसके साइनोनियम देख लेते हैं। साइनोनियम मिसमैच, जंबल, हॉजफोर्ड, टर्मोइल। एंटोनियम देख लेते हैं, कंस्टिट्यूट, रैबल, सीक्वेंस एंड कैटोराइजेशन। ये इसका क्या था? एंटोनियम था। इसका यूसेज देख लीजिएगा। अगला वर्ड है सेनेटोरियन। सेनेटोरियन पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्या एडजेक्टिव है? इसका अर्थ होता है हिंदी अर्थ बुलंद। मीनिंग है ऑफ ए पर्सन वॉइस लाउड एंड पावरफुल। चलिए आगे बढ़ते हैं, किसी व्यक्ति की आवाज़ जोर से और शक्तिशाली। चलिए इसका साइनोनियम देख लेते हैं। साइनोनियम है बूमिंग, क्लैंगोरियस, पियरेसिंग, रोरिंग। एंटोनियम देखते हैं, सूथिंग, मफल्ड, म्यूटेड, सॉफ्टेंड। ये इसका एंटोनियम था। चलिए इसका इसे देख लीजिएगा। अगले वर्ड की तरफ चलते हैं। अगला वर्ड है टीजी, मतलब घबराहट। मीनिंग क्या है? स्टेट ऑफ नर्वस एक्साइटमेंट और एजिटेशन। अर्थ क्या है? घबराहट या उत्तेजना की स्थिति। इसका साइनोनियम देखते हैं, एक्रिमनी, एनिमोसिटी, एनोनेस, अनोयनेस, चैग्रीन। एंटोनियम क्या है? काम, कामलेस, डिलाइटलेस। ये सारे क्या एंटोनियम है। चलिए अगले वर्ड की तरफ चलते हैं। अगला वर्ड है ग्लॉट। ग्लॉट पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्या है? वर्ब है, जिसका अर्थ होता है आनंदित होना। मीनिंग क्या है? ड्वेल ऑन वंस ऑन सक्सेस और अनदर मिसफॉर्चून विथ स्मगनेस और मैलिगेंट प्लेसर्स। चलिए इसका हिंदी अर्थ देखते हैं, एक की सफलता या दूसरे के दुर्भाग्य पर स्मॉग या अवशिष्टा का भाव। इसके साइनोनियम देख लेते हैं, एक्सल्ट हुआ, रिजॉइस हुआ, रिलीज हुआ। एंटोनियम क्या है? कमिसरेट हुआ, सिंपथाइज मतलब सहानुभूति देखते हैं। अगला जो वर्ड है सीज क्या है पार्ट्स ऑफ स्पीच में? नॉन है, जिसका अर्थ होता है घेराबंदी। मीनिंग क्या है? मिलिट्री ऑपरेशन इन विच एनिमी फोर्सेस सराउंडेड ए टाउन और बिल्डिंग। कटिंग ऑफ एसेंशियल्स सप्लाइज विद द एम ऑफ कंपेलिंग दोस इनसाइड टू सरेंडर। अर्थ इसका देखिए, एक सैन्य अभियान जिसमें शत्रु सेना एक शहर या इमारत को घेर लेती है जो आवश्यक आपूर्ति को काट देती है, जिसका उद्देश्य उन लोगों का समर्पण करने के लिए मजबूर करना है। इसके साइनोनियम देख लेते हैं, ब्लॉकेड हुआ, बैरिकेड हुआ, रेस्ट्रिक्शन। एंटोनियम देखिए, क्लियरनेस हुआ, ओपनिंग हुआ।
अगले बड़ की तरफ चलते हैं। अगला बड़े परलोइन, परलोइन के पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब है जिसका अर्थ होता है चुराना। मीनिंग क्या हुआ? स्टील समथिंग। अर्थ क्या है? चोरी, चोरी क्या सकता है? कुछ सामान कर सकता है। इसके साइनोनिम देखते हैं लूट, पिल्फर, स्टील, एम्बेजल। एंटोनिम देखते हैं वेस्टोर, कॉन्ट्रीब्यूट और डोनेट, परचेस। कॉन्ट्रीब्यूट बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसका एंटोनियम। चलिए अगला वर्ड, अगले वर्ड है हेट्रोडॉक्स। हेट्रोडॉक्स एडजेक्टिव है पार्ट्स ऑफ स्पीच में जिसका अर्थ होता है विधर्मी। मीनिंग एंड नॉट कन्फर्मिंग विद एक्सेप्टेड और ऑर्थोडॉक्स स्टैंडर्ड और बिलीव्स। अगला वर्ड इसका अर्थ देख लेते हैं, स्वीकृत या रूढ़िवादी मानकों या मान्यताओं के रूप नहीं है। इसके साइनोनियम देख लेते हैं, साइनोनियम क्या है? सेपरेटिस्ट, हेरेटिकल, नॉन कन्फर्मिस्ट, आइकनोक्लास्टिक्स। एंटोनियम इसका देख लेते हैं, ऑर्थोडॉक्स, एग्नोस्टिक्स, डिवोट, नॉन सेक्टेरियन। इसका यूसेज देख लीजिएगा। अगला जो वर्ड है स्लम, स्लम, स्लम क्या है? वर्ब है पार्ट्स ऑफ स्पीच में, इसका अर्थ होता है गिर पड़ना। मीनिंग क्या है? अंडरगो ए सडन सीवियर और प्रोलॉन्ग फॉल इन प्राइस, वैल्यू और अमाउंट। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका अर्थ देखते हैं। अर्थ है मूल, मूल्य राशि में अचानक गंभीर या लंबे समय तक गिरावट से गुजरना। साइनोनिम क्या है? प्लमेट, प्लंग, क्या है? थंबल, थंबल, डिक्लाइन, ये सारे क्या है इसका साइनोनिम। एंटोनियम क्या है? राइस, राइस इंपॉर्टेंट है। एसेंड, ग्रो, सोर, ये सारे इंपॉर्टेंट है। चलिए ये तो था मेरा, ये था मेरा आज का लास्ट वर्ड। तो एक बार चलिए रिवीजन कर लेते हैं, एक बार थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं। पहला वर्ड क्या था? इंडिजीनियस। इंडिजीनियस मतलब क्या था? स्वदेशीय, जो अपने देश में निर्मित हो। जैसे मोदी सरकार अभी इंडिजीनियस भले आइटम पर जोर दे रहे हैं कि हमारे देश में ही सभी चीज़ निर्मित हो। अगला जो वर्ड है स्ट्रे, स्ट्रे मतलब क्या होता है? भटकना। चलिए अगला वर्ड है फेरेरोगो, फेरेरोगो नॉन है, इसका अर्थ होता है क्या? सम्मिश्रण। अगला जो वर्ड है स्टेनोटोरियन, स्टेनोटोरियन एडजेक्टिव पार्ट्स ऑफ स्पीच में जिसका अर्थ होता है बुलंद। अगला जो वर्ड है टीजी, टीजी मतलब घबराहट होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला जो वर्ड है ग्लॉट, ग्लॉट क्या है? पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब है जिसका अर्थ होता है आनंदित होना। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला जो वर्ड है सीज, सीज क्या है? नॉन है पार्ट्स ऑफ स्पीच में, इसका अर्थ होता है घेराबंदी। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला जो वर्ड है परलोइन, परलोइन वर्ब है इसका अर्थ होता है चुराना। अगले वर्ड की तरफ चलते हैं, अगला वर्ड है हेट्रोडॉक्स, एडजेक्टिव है इसका अर्थ होता है विधर्मिक। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला जो वर्ड है स्लम, स्लम मतलब वर्ब है पार्ट्स ऑफ स्पीच में जिसका अर्थ होता है गिर पड़ना। तो ये था आज का मेरा आखिरी सवाल। यदि वीडियो आप सभी को अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।